इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, मगर रश देखो इधर का। जितने जने बैठे हैं रेस्टोरेंट्स में, उतने जने तो बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कोई घर पे जाता भी है कि नहीं? हम तो चलो टूरिस्ट हैं, मगर सब तरफ रश, सब तरफ रश। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं बाकू आने में, तो ये बहुत सिंपल सा, यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट बहुत फेमस है, और ये फाउंटेन स्क्वायर, ये पूरा एरिया। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ आ जाइए और ये बिल्डिंग को ध्यान से देखिए। इसके जस्ट थोड़ा सा आगे 50 मीटर्स चल के आपको दिख जाएंगी कॉकविल ट्रेन्स। उसके ठीक ऑपोजिट दिख जाएगा आपको कार्पेट म्यूज़ियम। कार्पेट म्यूज़ियम के उधर कैस्पियन सी, और जहाँ मैंने आपको बताया कॉकविल है, कॉकविल पकड़िए और ऊपर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा टावर, फ्लेम टावर। और यहीं से थोड़ी दूरी पे, बिल्कुल थोड़ी दूरी पे ओल्ड बाकू सिटी भी है, जो मेडन टावर, तो ये भी 250 मीटर्स की दूरी पे। मींस एक जगह आप आ गए। कार्पेट म्यूज़ियम अगर आ जाते हैं मेन, अगर आप कार्पेट म्यूज़ियम पकड़ते हैं तो कार्पेट म्यूज़ियम आ गए, वहीं पे सब कुछ है। बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हम लोग का इमिग्रेशन सब क्लियर हो गया है, तो अब हमारी फ़्लाइट है यहाँ से शारजा की, फिर शारजा से हम लोग मस्कत। तो शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि शारजा में हमारा 3-4 घंटे का वेटिंग टाइम है। बहुत प्यारा बना हुआ है, कुछ डिफरेंट है, हट टाइप, मतलब डिफरेंट है। बाकू एयरपोर्ट पर यहाँ पर सोने का भी है, देखिए सो रहे हैं पर्सन अंदर, ऐसे कवर्ड करो ऊपर से जैसे इन्होंने कवर्ड किया है, और ऐसे सो जाओ। ये भी है ऐसे, शायद दूसरी साइड कवर्ड है तो कोई सो रहा है, तो ये पूरे उसमें है, देखिए लाइन से काफ़ी सारे हैं ऐसे। ये यहाँ सोने का बहुत अच्छा है ना, जो मैंने आपको बताया, देखो ये डेमो दे रहे हैं, और इसमें चार्जिंग पॉइंट भी है, सब कुछ है इसके अंदर, तो कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। और ये देखो पूरा अंधेरा करके, पूरा शटर है एक, बहुत बढ़िया स्लाइडर है। कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है? लेट मी टेक रेस्ट। अच्छा नहीं, पहले बताओ कंफर्टेबल है? नहीं, ये देखो ना, अच्छा है, अच्छा है। और ये चार्जिंग पॉइंट भी है? हाँ, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सब? अभी तक आप हमें देख रहे थे अमेजिंग अजरबैजान की सीरीज में, आज हम लोग 1-to-1 हो रहे हैं, क्योंकि आज हमारा ये लास्ट एपिसोड था, और उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत एंजॉय किया, होप करते हैं कि आपने भी ये पूरी की पूरी 6 सीरीज एंजॉय की हो, क्योंकि बहुत डिफरेंट कंट्री है, और एक ही कंट्री में इतनी सारी चीजें हैं। क्योंकि आप यूरोप जाते हैं तो आप पहाड़ देखते हैं, स्नो देखते हैं, यहाँ पर सब कुछ है, एक ही कंट्री में सब कुछ है। मतलब हमको बहुत, जैसे मड वोल्केनो, आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि मड वोल्केनोस, ये हमने पार्ट 5 में आपने पार्ट 5 में देखा, ये हमारी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मड वोल्केनोस तो हमने सुने भी नहीं थे, तो ये फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमने बहुत एंजॉय करी ये सीरीज। और वीजा ऑन अराइवल है वहाँ पे, प्लस पॉइंट, ये इसका प्लस पॉइंट है, वीजा ऑन अराइवल।
पर वैसे भी आप ट्राई कीजिए कि एडवांस में ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हमने ऐसे ही किया कि हमने एडवांस में करा वीजा, और जिस दिन हमारी ट्रैवलिंग थी, फ्लाइट थी, उससे एक दिन पहले हमारा वीजा आया और हम लोग गए, क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा हुआ। जब हम वहां गए तो रश बहुत था, जो आपने हमारे पहले एपिसोड में देखा होगा, एयरपोर्ट पे लिटरली धक्का मुक्की थी, तो वो हमें फायदा हुआ कि हमारा टाइम वहां वेस्ट नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम बाहर जाते तो हमें लगता है हमारी कॉलिंग कैसे होगी, वहाँ जो बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट हो चाहे होटल हो चाहे छोटी सी शॉप भी हो, आपको सिम मिल जाता है। हाँ, और वहाँ की लोकल जो करेंसी है मन्नत, तो 30 मन्नत में आपको लोकल सिम मिल जाता है और उसमें 5 GB का डेटा रहता है, और फॉर 1 वीक, तो ये कंट्री 1 वीक में आप पूरा घूम सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा। इंडियन फूड हर जगह मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सी है तो आप बोल्ट है वहाँ पे, और लोकल टैक्सी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो हर कंट्री में होता है। लोकल जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो लूटते ही हैं, मतलब ज्यादा बताएंगे मनी और आसपास ही होता है। बोल्ट आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप काफी अच्छी है, काफी अच्छी है, बोल्ट है वहां पर, और उबर चलती है, तो आप वो डाउनलोड करिए और जाइए। और इवन लैंग्वेज इश्यूज बहुत हैं, वो आपने मेरे वहां पे रशियन और आपके अजरबैजान लैंग्वेज ही यूज होती है, तो इंग्लिश नहीं है, तो आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि अगर आप अजरबैजान फ्लाई कर रहे हैं, अजरबैजान घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो गाइड का होना बहुत जरूरी है वहां पे, और वो इजिली मिल जाते हैं। हमें वहाँ काफी इंडियंस मिले, पर मोस्टली जो गल्फ कंट्रीज से गए हुए थे। ये बहुत था कि वहाँ इंडियंस हमें बहुत मिले, बहुत, कोई कुवैत से था, कोई सऊदी से आया था, दुबई के बहुत थे, कतार के थे, मस्कट के बहुत थे, काफी थे वहां पर, काफी जने थे। हाँ, बट ओनली थिंग इंडियंस से हमें नहीं मिले। हाँ, हमें जो इंडियंस मिले वो इंडियंस थे जो गल्फ से ही आए थे, तो इंडिया से। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे छुट्टी थी, यहाँ छुट्टी पे थी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मगर इंडिया, जैसे एक दो और फ्रेंड से भी बात हुई, तो जैसे वो हमारे वीडियोस देख रहे, तो वो यही बोल रहे थे कि हम भी जब कभी ट्रैवल करते हैं तो कोई भी अजरबैजान नहीं बताता है। अब जैसे आपने हमारे वीडियोस देखे तो होप आपको पसंद आए होंगे, तो अगर आप आगे जाने का सोचते हैं कि चलो एक 5 दिन में एक छोटा सा कंट्री हम घूम आते हैं, तो आप अजरबैजान बिल्कुल जाइए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ट्राई करेंगे आपके हर एक डाउट क्लियर करने की, जितनी हमें नॉलेज है वहाँ की, जितनी नॉलेज हुई है हमें वहाँ की, तो हम डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और सही बात बताऊँ तो जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो एक होता है ना गली मोहल्ले का एक पूरा आइडिया ले लेते हैं, तो हमने वैसे ही किया, हर गली मोहल्ले का आइडिया लिया, तो वर्थ है कंट्री ये घूमना, वर्थ है। तो हम लगता है कि हमने काफ़ी आपकी क्वेरीज जो थी तो वो क्लियर करी होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस देखकर तो आप शायद जाने का प्लान भी करें, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें बताते हैं कि आपके वीडियोस देखे तो अब हमने प्लान किया है अजरबैजान जाने का। तो वीडियो को अब ज़्यादा ना लंबा करते हुए, थैंक यू सो मच फॉर द कंटिन्यूस सपोर्ट जो आपने हमें दिया है जी, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियोस देखते हैं तो लाइक और एक छोटा सा कमेंट, अगर आप बड़ा कमेंट नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, सिर्फ नाइस लिख दीजिए या एक स्माइली, इससे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन हमें मिलता है कि शायद हम कुछ अच्छा कर रहे हो। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करिए, द टंडन परिवार जो हमारे चैनल का नाम है, वही हमारा इंस्टाग्राम पे भी वही उसी नाम से है, तो उस पे भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।